सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम के नेतृत्व में दुर्गाबाड़ी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में यातायात जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम स्कूली छात्रों को बताया कि यातायात के नियमों का पालन करें, पैदल चलते समय जेब्रा लाइन का विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सड़क पर दो तरह के संकेत होते हैं, एक अवरोधात्मक और एक आदेशात्मक, दोनों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक सेकंड हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, वहीं एक सेकंड हमारे जीवन को बचा सकता है। हमेशा रेड लाइट एवं ग्रीन लाइन का ध्यान रखें, इंडिकेटर का ध्यान रखें, कार से चलते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। उन्होंने बताया कि जीवन अनमोल है और हमें बहुत ही बच बचा कर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते समय कभी भी मोबाइल से बात नहीं करें, हमेशा टू व्हीलर पर हेलमेट लगाएं, कभी भी तीन लोग ना चलें और यातायात के नियमों का पालन करें। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेश सिंह, यातायात प्रभारी इख्तियार अहमद अंसारी, यातायात उप निरीक्षक हरिद्वार सिंह, यातायात मित्र संजय कुमार श्रीवास्तव, व्यापार मंडल के अध्यक्ष केशव अग्रवाल, विद्यालय के प्रबंधक बलराम अग्रवाल सहित स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम ने कहा, अभिवादन, स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। देश स्वाभाविक है, हम सबके ही उधर से तमाम लोगों पर मान्यवर हथियार हमारे, मैं अपनी बात को लंबी नहीं करूंगा क्योंकि और हमारे अधिकारी हैं जो काफी विद्वान हैं और आपको बताएंगे। हमें घर से अगर पैदल निकलते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम पैदल अपने घर से निकलते हैं, चाहे बाजार जाते हैं चाहे स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने बाएं चलना है, रोड जो है उसके तरफ बाएं चलना है। अगर फुटपाथ है तो फुटपाथ पे हमें चलना है। अगर चौराहा पड़ता है कहीं पर तो चौराहे को हमें किस तरह हमें चौराहे को क्रॉस करना है, रेड लाइट पर हमें चौराहा नहीं क्रॉस करना है। जब ग्रीन लाइन सिग्नल हो जाएगा तभी हमें चौराहे को क्रॉस करना है। रोड पर दो लाइनें पड़ी होती है, एक होती है स्टॉप लाइन, एक जेब्रा लाइन। तो स्टॉप लाइन पे हमारी गाड़ी होती है उसको रोकती है, जेब्रा लाइन खाली रहती है, तो हमें जेब्रा लाइन से रोड को क्रॉस करना है। अब जेब्रा लाइन को हमें कैसे क्रॉस करना है, ना तो हमें दौड़ के क्रॉस करना है ना आराम से करना है। पहले हमें दाहिने बाएं देखना है कि गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसके बाद हमें तेज कदमों से रोड को क्रॉस करना है। इसके बाद अगर हम लोग टू व्हीलर से हम स्कूल आते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो टू व्हीलर जब निकालते हैं तो पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमारे सारे कागज मौजूद है, चाहे वारसी हो, चाहे डीएल हो, चाहे प्रदूषण हो, चाहे बीमा हो, कोई भी कागज हमारे कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हमें हेलमेट बहुत जरूरी है क्योंकि सर सलामत तो सब सलामत कि हेलमेट बहुत जरूरी है, हमें हेलमेट लगा के चलना है। और टू व्हीलर पर हमें दो से अधिक सवारी नहीं बैठाना है। तो जिनके भी फोटो लगे हैं यदि उनको आप अच्छे तरीके से देख लें, उनके बारे में जान लें तो जीवन की संपूर्णता समग्रता प्राप्त हो जाएगी पूरा जीवन। और विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है कि हमारा चित्त शांत स्थिर हो, स्थिर स्थिरता। यदि मन की चंचलता पे हमने नियंत्रण पा लिया और चित्त को नियंत्रित कर लिया, स्थिर कर लिया, तो विश्व की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप प्राप्त ना कर पाए। तैतृय उपनिषद में जो ओम की व्याख्या की गई
उसमें सबसे पहला साधन चित्त को ही माना गया है चिंता। और हमारा जो जीवन है वो पूर्णता की तरफ, हमारा जो यातायात प्रबंधन ये भी आता ट्रैफिक मैनेजमेंट यातायात प्रबंधन जिस कड़ी के अंग है हम लोग बात करने की सोचता हूं। मैं जीआईसी झांसी में 1982 में हाई स्कूल का विद्यार्थी था, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज झांसी, और वहीं पर खालसा इंटर कॉलेज का बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज चौराहे के पास लाइन चौराहा में एक खालसा के बच्चे की एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई। हम लोग आवासीय विद्यालय में थे, यदा कदा संडे को परमिशन होती थी मार्केट जाने की, कभी अपने वो कोई भी स्टेशनरी लेनी होती थी, बुक्स लेनी होती थी, कॉपी लेनी तो जाते थे। संडे का दिन था, एक बहुत बड़ा गायक बन गया है, बहुत बड़ा एक्टर बन गया है, बहुत बड़ा क्रिएटर बन गया है, तमाम सारे क्षेत्र हैं, इतने नए नए प्रयोग, इतने उन्मेषण के क्षेत्र, नवोन्मेषी क्षेत्र विशेष में भी आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन जीवन होगा तभी वो कार्य करेंगे। इसका मतलब है कि जब जीवन के बगैर कुछ है ही नहीं, जीवन तब जीवन के बगैर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि यातायात प्रबंधन हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी। जब भी हम बाहर निकलेंगे और इतना ही नहीं, आपके अपने कमरे के अंदर भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, आप तमाम तरह के टाइल्स रखती हैं। यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज सरस्वती शिशु विद्यालय में जो है जो सीनियर्स बच्चे हैं उनको यातायात नियमों के बारे में पूरी यातायात फैकल्टी ने नियम बताए कि कैसे कैसे यातायात नियमों का पालन करना है। विशेष रूप से दो पहिया वाहन में दो सवारी ही चलें, दोनों हेलमेट का प्रयोग करें, चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें और वाहन चलाते समय किसी भी जो है नशे का प्रयोग ना करें, और जहाँ भी जो है यातायात के संकेत लगे हैं उनका निश्चित रूप से पालन करें, ट्रैफिक लाइट का कभी उल्लंघन ना करें, और साथ ही साथ विशेष जो है सावधानी बरतें और यातायात को जो है जो निर्देश हैं जहां पार्किंग है निर्धारित स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग करें, जिससे कि ट्रैफिक जो है सही तरीके से रेगुलेट होता रहे और आम नागरिकों को किसी प्रकार का अवरोध और बाधा उत्पन्न ना हो। ये सारी चीज़ें जो है आज बच्चों को बताई गई कि ये जा करके अपने पारिवारिक जनों को, अपने पड़ोसियों को और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे और स्वयं के जीवन में तो पालन करना ही करना है और आसपास के लोगों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करना है, आदि बातें इन सभी बच्चों को बताई गई। यहाँ के जो है विद्यालय के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, प्रबंधक गण हैं, इन सभी ने जो है अपना सहयोग दिया और सभी लोगों ने बच्चों को यातायात जागरूकता के तहत जागरूक किया।